माई चैनल। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक सुंदर सी डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे बचे हुए कपड़े से। आप देख सकते हैं ये मेरा फैब्रिक है डबल कलर में, दो कलर्स में, दो टुकड़े मेरे बचे हुए हैं। और ये हमने इस ड्रेस की लाइनिंग को मार्किंग करके हमने पहले से रेडी करके रखा है और हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कैसे काटते हैं। इसकी हिप्स चाहिए हमें 34 और ये हम ले रहे हैं 19 and a half ब्रेथ में, और लेंथ चाहिए हमें 43। और 1 and a half इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे हम, 44 and a half हो गया। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट, और ये फ्रंट पार्ट हमारा 6 and a half यहाँ से आ जाएगा, और इसके आगे हम दूसरा फैब्रिक यूज़ करेंगे, यानी कि 6 and a half ये आ गया एंड 13 inches हमें यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लाना है। फ्रेंड्स 13 and a half इसकी लेंथ हम इसके बराबर रख के इसको कट कर लेंगे यहाँ से। अब इस निशान के ऊपर से हम इसको सीधा काट लेंगे। फ्रेंड्स ये आ गया हमारा बैक पार्ट प्लेन, और ये फ्रंट पार्ट हमारा आ गया जिसमें हमने एक तरफ हम इसको यहाँ से ये कलर है और एक तरफ येलो कलर। अभी हमारा फ्रंट और बैक अलग अलग हो गया। अब हम इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा बैक वाला पार्ट है, अब इसके ऊपर हम बैक वाले पार्ट की लाइनिंग का पार्ट रखेंगे। ये फ्रंट को हम रिमूव कर लेंगे। ये आ गया हमारा बैक,
क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंचिस एक्स्ट्रा रखते हैं लाइनिंग में, तो इसको 1 इंच इस तरफ बढ़ा लेंगे, 1 इंच बढ़ा के हम इसके ऊपर इसको बिछाएंगे। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। हम इसकी नेक्स्ट कटिंग करेंगे यहाँ से 3.5 रखेंगे 10 में और 3.5 रखेंगे लेंथ में। फ्रेंड्स ये येलो वाला पार्ट लेफ्ट साइड आएगा, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम जब ये जॉइंट डालेंगे तो आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर जाएगा। अब पहले की तरह इसको भी यहाँ पे ऐसे ही हम सेट करके बिछा लेंगे अच्छे से। ये 1 इंच एक्स्ट्रा है तो हमें 1 इंच बढ़ा के बिछाना है। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, अब हम इसको यहाँ से फिर से कट कर लेंगे। ये हम नेक की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। सो गाइस ये हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स हम ये गले में लगाने के लिए कपड़ा काट लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से हम काटेंगे। ये जो हमारे बैक में से नेक में से ये जो हमारा टुकड़ा रह गया था इसके अकॉर्डिंग हम इसको इसके ऊपर बिछा लेंगे ये ऐसे, और इसी की शेप में हम इसको काट लेंगे। अब हम इसको 1.5 इंच के हिसाब से पूरा राउंड काट लेंगे। ये हो गया, इसी तरह हम फ्रंट काटेंगे। ये हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
चलिए चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और इसमें से लाइनिंग को निकाल देना। हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है, ये आएगा लेफ्ट साइड पे और ये वाला हिस्सा आएगा राइट साइड पे। तो इसे हमने यहाँ से सेंटर से जॉइंट करना है और यहीं पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और हम यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा छोटा टुकड़े का ये हम त्रिकोण शेप में एक ऐसे बनाएंगे, ये इस तरह से, और इसको हम ऐसे इस शेप में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह से ये हमने पहले से यहाँ रेडी करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये सब यहाँ लगा के दिखाएंगे। तो ये आ गया हमारा शर्ट का राइट वाला पार्ट, ये हमने जो बना के डिज़ाइनिंग रखी है ये इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमने यहाँ पे चौक से निशान लगा लिए हैं, देखिए इसको हम ऐसे यहाँ अटैच कर देंगे। ये इसका सीधा वाला पोर्शन है, ये उल्टा वाला, हम इसको उल्टा करके यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये यहाँ, बस इसी तरह से हमें सब यहाँ पे अटैच करने हैं, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो एक जैसा रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने सबको यहाँ से अटैच कर लिया है। ये देखिए, तो देखिए ये हो गया। अब हम ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, इसके ऊपर ऐसे हम यहाँ लगाकर ये ऐसे अटैच हो जाएगा हमारा। इसके ऊपर हम रख के इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से हम इसे साथ में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से यहाँ पे कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। अब हम यहाँ एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये हम यहाँ ना ये ग्रीन वाले पार्ट पर यहाँ फिनिशिंग वाली एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए, ये हो गया,
ये देखिए फ्रंट पार्ट में लाइनिंग अटैच कर लेते हैं। तो चलिए हम ये लाइनिंग को, पहले हम ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे जो हमने एक इंच यहाँ पे बढ़ाया था, उसको हमें बीच में सिलाई लगानी है पहले। ये हो गया। इसी तरह हम दूसरे लाइनिंग के दूसरे पार्ट में भी सेंटर में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सेंटर की सिलाई लगा ली है, अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। देखिए इसमें हमने ऐसे ही एक साथ ये लाइनिंग रख ली है इसके ऊपर। अब हम कच्चा टांका करके इसको अटैच करेंगे। नेक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने एक तरफ से लाइनिंग अटैच कर ली है, अब हम दूसरे पोर्शन की दूसरी तरफ से लाइनिंग अटैच करेंगे। ये हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे। ये हो गया, बैक का लाइनिंग अटैच हो गई। देखिए इसी तरह से हम फ्रंट की भी लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लीजिए ये भी एक तरफ से हो गया, अब हम दूसरी तरफ से अटैच करेंगे। लीजिए ये हमारी लाइनिंग अटैच हो चुकी है, हम इसका नेक बना लेंगे। नेक में हम फ्यूजिंग पेपर या बुकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा ही सिंपल तरीके से हम इसका नेक बना रहे हैं।
ये हमने लगा लिया है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे येलो वाले पार्ट के ऊपर। अब हम ये बैक पार्ट का नेक रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम ये बैक साइड का नेक रेडी कर लेते हैं। चलिए अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमने लगा ली है। अब सेम ऐसे ही इसको ऐसे ही फोल्ड करके हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ से खुला रखना है ताकि हमें तीरा जोड़ने में थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ये लीजिए अब हम तीरा जोड़ेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हमें जहाँ तक ये जॉइंट है जहाँ पे हमने कपड़ा लगाया है गले वाला ये जॉइंट है वहाँ तक हम इसको ये ऐसे अटैच करेंगे। ये सेम ऐसे ही हम ये दूसरी साइड का अटैच करेंगे। ये जॉइंट पे जॉइंट के साथ बिल्कुल ये ऐसे रखेंगे ऐसे और हम तीरा जोड़ेंगे। देखिए ये हमने तीरा अटैच कर लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए ये नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे।
चलिए हम इसको घुमा के यहाँ से एक सिलाई और लगा लेंगे, एक थोड़ी लूज सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती में आर्म्स अटैच करेंगे, और ये हमने येलो कलर का ये पट्टी काट ली है, इससे हम आर्म्स में आगे पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने पट्टी अटैच कर दी, अब हम इसको यहाँ से खोल के पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे करूंगी मैं। चलिए ये हो गया, इस आर्म्स को हम अटैच कर लेंगे शर्ट में, इसको उल्टा कर देंगे। जी ये देखिए, इसमें पाइपिंग कितनी अच्छे से हमने अटैच की। अब हम इसको सीधा करके इसमें अटैच करेंगे। ये जो ये सिलाई है, इस सिलाई के साथ हम ये आर्म्स की सिलाई एक साथ दोनों रख के हम यहाँ से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाजू अटैच कर ली, ये उल्टी तरफ से अभी आपको हम दिखा रहे हैं, सीधा करेंगे। अब दूसरी अटैच देखिए, अब हमने ये दोनों आर्म्स अटैच कर लिए हैं, और हमारी कुर्ती देखने में कितनी प्यारी लग रही है, कितने प्यारे कलर लग रहे हैं दोनों। अब हम इसकी स्लिट्स और घेरा में सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पर हम इसको ऐसे फोल्ड करके हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
और स्लिट्स में भी। तो गाइस हमारी ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी हो चुकी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।